अलावा ताप रहे कुख्यात अपराधियों को बाइक सवार अपराधियों ने गोलियों से भूना, 7 गोली मारकर उतारा मौत के घाट। युवक का पहले से था आपराधिक इतिहास, बताए थाना क्षेत्र की घटना। अपराध को छोड़ जमीन के कारोबार में लगा था कुख्यात नन्हकू। बता दें कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। मोतिहारी के पताही थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर अलावा ताप रहे एक शख्स की हत्या कर दी। मृतक की पहचान गुनाही गांव निवासी अविनाश कुमार उर्फ नन्हकू सिंह के रूप में हुई है। मृतक नन्हकू सिंह कुख्यात अपराधी था और वह लगभग 1 साल पूर्व जेल से जमानत पर बाहर आया था और घर पर ही रहकर जमीन के कारोबार में लगा था। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से गोली के 5 खोखे बरामद किए। पुलिस के अनुसार पताही थाना क्षेत्र के गुनाही गांव में बीती रात लगभग 10:30 बजे घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि रात में नन्हकू सिंह अपने पड़ोसी शंभूराय के दरवाजे पर अलावा सेक रहा था। उसी दौरान पल्सर बाइक से आए 2 अपराधियों ने नन्हकू पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान गोली लगने से नन्हकू सिंह जमीन पर छटपटाने लगा। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी शिवहर जिले की ओर भाग गए। गोली से जख्मी नन्हकू सिंह को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। नन्हकू सिंह को 7 गोलियां लगने के बाद बताई जा रही है। मृतक अविनाश कुमार उर्फ नन्हकू सिंह का आपराधिक इतिहास, साल 2012 में शिवहर के जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय पांडे की गोली मारकर हुई हत्या में नन्हकू सिंह का नाम सामने आया था। उसके बाद उसका अपराध का ग्राफ बढ़ता गया। पूर्वी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी जिले में हत्या, लूट, रंगदारी और आर्म्स एक्ट समेत कई मामले में वो आरोपी था। इस मामले में पताही थाना अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंच गए और घटनास्थल से 5 खोखे बरामद किए गए। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घर से 8 बजे घूमने के टाइम में गया था, घूमने गाँव में। एक गाँव में जाकर एक शंभूराय का दरवाजा था, वहाँ घूरता पड़ा था, कुर्सी पर बैठा हुआ था। घर की उनका भी दो तीन फैमिली था, आगे ताप रहे थे। उन लोग का कोई दिक्कत नहीं हुआ, हमारे भाई की कोई भी। कई को गोली लगी है? गोली 7 वो लगी हुई है। पहले से भी कोई दुश्मनी नहीं है? ये तो क्रिमिनल माइंडेड लोग था। कौन भाई आपके? जी, हालांकि अपराध तो छोड़ के जमीन उमीन का शायद काम कर रहे थे। हाँ, अब लगे हुए थे जमीन उमीन के कारोबार। किसी को कोई शक वगैरह भी? देखिए, अभी तक ले तो अभी इसके लिए हम सोचेंगे समझेंगे तब कुछ आगे मुहे हम बात को बढ़ा सकते। क्या नाम हुआ? हमारा नाम सतेंद्र सिंह हुआ। घर से 8 बजे घूमने के टाइम में गया था, घूमने गांव में। एक गांव में जाकर एक शंभूराय का दरवाजा था, वहां घूरता पड़ा था, कुर्सी पर बैठा हुआ था। घर की उनका भी दो तीन फैमिली था, आगे ताप रहे थे। उन लोग का कोई दिक्कत नहीं हुआ, हमारे भाई की कोई भी। कई को गोली लगी है? गोली 7 वो लगी हुई है। पहले से भी कोई दुश्मनी है? ये तो क्रिमिनल माइंडेड लोग था। कौन भाई आपके? जी, हालांकि अपराध तो छोड़ के जमीन उमीन का शायद काम कर रहे थे। हाँ, अब लगे हुए थे जमीन उमीन के कारोबार। किसी को कोई शक वगैरह भी? देखिए, अभी तक ले तो अभी इसके लिए हम सोचेंगे समझेंगे तब कुछ आगे मुहे हम बात को बढ़ा सकते। क्या नाम हुआ? हमारा नाम सतेंद्र सिंह हुआ।